हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज की वीडियो में रेसिपी एक बहुत ही मज़ेदार और कॉफ़ी फ्लेवर्ड केक की है, जिसका फ्लेवर का इंस्पिरेशन मुझे स्टारबक के मोका फ्लेवर्ड केक से मिला था। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं और विंटर्स में थोड़ी एक्स्ट्रा कॉफ़ी प्रेफर करते हैं तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ब्लेंडिंग जार ले लेना है और उसमें डालेंगे हम आधा कप ऑयल। एक सेम कप से ही सारे मेजरमेंट्स आपको लेने हैं। उसी सेम कप से मैंने अच्छे से भरकर इसमें डाली है एक कप पाउडर्ड शुगर यानी पिसी हुई चीनी, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे दो बड़े साइज के अंडे। तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को इस ग्राइंडिंग जार में डाल के 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लें। ध्यान रहे शुगर आपको पिसी हुई ही लेनी है। उसके बाद उसी सेम कप से मैंने इसमें ऐड करा है 1 कप दूध और साथ ही इसमें डाला है 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। अगेन अब इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें। और यहाँ पे देखिए, 1 मिनट ब्लेंड करने के बाद ये लिक्विड इंग्रेडिएंट अब पूरे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। तो उसी कप को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने ऐड करा है 1.5 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अच्छे से भर कर कोको पाउडर, और ये अनस्वीटेंड है यानी कि इसमें मीठा नहीं है। लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अब आपको इसको अगेन ब्लेंड करना है 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक के लिए, ताकि अच्छा से स्मूथ केक बैटर बन जाए। पैन को मैंने ग्रीस करके रख लिया है। बैटर को इसमें पोर करेंगे और अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने से पहले इस तरह से उसको टैप ज़रूर कर दिया करें, इससे उसके एक्सेस या बबल निकल जाते हैं और केक अच्छा तैयार होता है। हम यहाँ पे इसको बिना ओवन के बेक करेंगे। तो इस पतीले में मैंने लगभग 1/2 किलो के करीब ये नमक बिछा के ए स्टैंड रखा था और मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट इसको प्रीहीट किया है। उसके बाद उसी सेम फ्लेम पर यानी कि मीडियम फ्लेम पर इसको हम बेक करेंगे। केयरफुली बेकिंग पैन को इसमें रख दें और इसे ढक दें। ध्यान रहे इसको ऐसे ढकना है कि इसके अंदर से जो हीट है वो बिल्कुल ना निकले। बेकिंग टाइम 40 to 45 मिनट्स रहेगा। मुझे 45 मिनट्स लगे थे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इन केस ये नाइफ इस तरह से डाल के आप देखें और ये साफ ना आए तो 5 मिनट इसको और बेक कर दीजिएगा। केक यहाँ पर रेडी है। इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इस तरह से इस मोल्ड में से निकाल के साइड में रख दें। ये देखिए यहाँ पर ये केक एकदम तैयार है। तो चलिए अब हम इसके लिए बनाएंगे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, जिसमें होगा कॉफ़ी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मक्खन लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट हुआ हुआ है, और 2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ कैस्टर शुगर। अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी ले सकते हैं, लेकिन उसको एक बार छान लीजिएगा ताकि अगर उसमें कोई मोटा पार्टिकल हो वो छन जाए। साथ ही इसमें ऐड करा है थोड़ा सा वनीला एसेंस और 2 टीस्पून भरकर इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। अब हमें इसको बहुत ही अच्छे से विस्क करना है जब तक कि एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। मैंने यहाँ पर हाथ से किया था तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था। अगर आप इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से करेंगे तो लगभग 8 से 10 मिनट में ये फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉस्टिंग रेडी है, एकदम स्मूथ हो चुकी है, चीनी का कोई दाना इसमें नहीं है। अब चलते हैं केक की असेंबलिंग के लिए। सबसे पहले केक को 2 तरह से पार्ट में काट दें। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट और मज़ेदार से केक बनके तैयार हुआ है। फ्रॉस्टिंग लगाने से पहले थोड़ा सा दूध और उसमें शुगर को मिक्स करके इसमें इस स्पंज को सोक कर दें, और उसके बाद बहुत अच्छे से इस पूरी लेयर पर फ्रॉस्टिंग को अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद दूसरा पार्ट जो है उसको उस पर प्लेस कर दें। तो मैं यहाँ पे इस तरह से अपसाइड डाउन करके प्लेस कर रही हूँ। इससे जो होता है कि केक का जो सरफेस आता है वो एकदम नीट एंड क्लीन आता है। अब पूरा अच्छे से चारों तरफ से तैयार की हुई कॉफ़ी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग से इस केक को कवर कर दें।
जितने मेजरमेंट की हमने बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाई है वो पूरी इसमें लग जाएगी, अच्छे से ये पूरा केक उसमें कवर हो जाएगा। तो बस इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से इसको पूरे को कवर कर दें। यहाँ पे देखिए केक रेडी है। लास्ट डेकोरेशन में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी थोड़ी सी चॉकलेट शेविंग्स। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहें तो इसमें चॉको चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी उसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट शेविंग से मैं इसको डेकोरेट करके तैयार कर दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए ये केक रेडी है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, और उसके बाद ये एकदम रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी जिस टाइम पे इस तरह से रेडी हुआ था, क्योंकि हमने इसमें कॉफ़ी कोको पाउडर का जो कॉम्बिनेशन यूज़ करा है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को अगर ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से बनके तैयार होता है। विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, इसे वीकेंड्स पे बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।